अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड में लेसन नंबर 99। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे एक्सपोर्ट द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट मॉडल, 3D DWF एंड सेंड 3D प्रिंटर सर्विस वगैरह में आप अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह सेंड करते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं किसी भी डिफरेंट फाइल्स में। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक ड्रैंक बनी हुई है, इसमें आप एक्सपोर्ट का फंक्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट में DWFX, तो FX जो भी ड्रैंक सॉफ्ट आपके FX किसी भी आप एक्सटेंशन जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर की जो एक्सटेंशन के एंड में अगर एक्स आ जाता है तो वो यूं समझे कि वो एक नई एक्सटेंशन है जो के आपके ऑफिस आपकी जो न्यू विंडोज है, विंडोज 7, विंडो 8, इनमें ये ओपन हो सकते हैं और इनके लिए इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये चाहे शीट्स हो, आपकी एक्सेल की शीट हो, उसमें भी आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप नॉर्मल आप एमएस वर्ड या किसी भी पिक्चर फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट आपके पास DWF, तो DWF आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपोर्ट करता है वो DWF का मतलब होता है डिजाइन वेब फॉर्मेट या फिर ड्राइंग वेब फॉर्मेट इसको कहा जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोडेस्क के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह ऑटो कैड हो गया, 3D मैक्स हो गया, इन्वेंटर हो गया, तो इन सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्राइंग्स ओपन होती है। पीडीएफ फॉर्मेट जो होता है, इसमें आप जो है आप इजीली अपने ड्राइंग्स की डिटेल देख सकते हैं और इसके लिए आपको अडोब रीडर आपके पास होना मस्ट है जो कि पीडीएफ फाइल को आपके पास ओपन करता है। तो ये तीन फॉर्मेट्स होते हैं। तो आज अभी देखते हैं हम कि जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप, एक्सपोर्ट में DWF फॉर्मेट को आप एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे होगी। तो एक्सपोर्ट करने से पहले हमेशा आप प्रिंट प्रीव्यू में देख लें कि आपका जब एक्सपोर्ट होगा ऑब्जेक्ट तो कैसा आएगा सामने। तो प्रीव्यू में आप हमेशा देख लें, तो प्रीव्यू में आपको ऑब्जेक्ट देखें नीचे यहाँ पे बॉटम में आपको नजर आ रहा है, तो इसी तरह वापस एक्सपोर्ट में ऑब्जेक्ट आपका आएगा। अगर आप चाहते हैं ये इस तरह ना आए तो आप यहाँ से करंट से आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से अपने डिस्प्ले में अपने विंडो को सिलेक्ट करें और यहाँ से रेंज दे दें आपने जिस एरिया तक आपने इसे एक्सपोर्ट करना है। तो मैं इसको रेंज देता हूँ, इतनी रेंज देता हूँ। तो देखिए आप इतनी रेंज में वापस आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट निकलेगा, सॉरी आपका एक्सपोर्ट होगा ऑब्जेक्ट। तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ नॉर्मल नॉर्मल DWF फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो DWF फॉर्मेट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आपसे देखें यहाँ पे ये ऑप्शन मांग रहा है आपने कहाँ पे इसको फॉर्मेट इसको सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे इसकी टाइप्स देख रहा है, मल्टी शीट फाइल है। और यहाँ पे देखें इसमें इसने और भी ऑप्शन दिए हैं, प्रोटेक्शन हमारे पास डिसेबल है ऑप्शन है। ऑप्शन पे क्लिक करके आप देखें तो इसमें आपको लोकेशन कंप्लीट दे रहा है और डिसेबल है प्रोटेक्शन की। आपको पासवर्ड देना चाह रहे हैं तो उसको आप पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए प्रोमोट फॉर प्रॉम्प्ट फॉर पासवर्ड, आप पासवर्ड इसको दे सकते हैं लेकिन मैं पासवर्ड नहीं देना चाह रहा, डिसेबल। तो ये आप यहाँ से इसमें ऑप्शन में काम कर सकते हैं। स्टैम्प देना चाहे तो स्टैम्प भी आप दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी इसकी डिटेल बताई थी, इसका फंक्शन क्या है। तो एक्सपोर्ट विंडो में मैं कर रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं नाम दे देता हूँ अपनी फाइल को, फाइल 1 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। और इसको मैं जब सेव करूँगा यहाँ पे, ओके सेव हो गया। अब इसको मैं देखना चाह रहा हूँ, तो देखने के लिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ और फाइल 1 के नाम से मेरी फाइल थी, तो फाइल 1 की फाइल है मेरे पास XPS डॉक्यूमेंट्स, देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स में आपके पास फाइल है। इसको ओपन करें ज़रा, तो आपके पास ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपकी फाइल ओपन हो रही है, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में आपकी फाइल ओपन हो गई है, देख सकते हैं। अच्छा, तो अब ये विंडो 7 और विंडो 8 में ये हमारे पास DWF फॉर्मेट XPS व्यूर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी इस किस्म की फाइल को दिखाता है। तो दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि आपकी ऑब्जेक्ट में दूसरे तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। तो दूसरा जो तरीका है एक्सपोर्ट करने का वो है DWF फॉर्मेट। तो DWF फॉर्मेट में आप क्लिक करें और इसको मैं नाम देता हूँ डेस्कटॉप, इसको भी मैं सेव करता हूँ, इसको नाम देता हूँ ड्राइंग 1 2 3 के नाम से, इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। इसमें भी वही ऑप्शन दिए हमें, सेव करें यहाँ पे, सेव हो गया। और अब इसको जाके देखें ज़रा डेस्कटॉप में ड्राइंग 1 2 3 के नाम से जो फाइल है, तो ये आपके पास ओपन नहीं होगी। ड्राइंग 1 2 3 की फाइल की ओपन है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये ओपन नहीं होगी क्योंकि ये .DWF फॉर्मेट है इसका।
तो ये आप बस इन्वेंटर या फिर 3D Max में आपकी फाइल ये ओपन होगी। तो ये आप उस फाइल में एक्सपोर्ट करने के, उसमें ओपन करने के लिए आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करते हो, जो कि ऑटोडेस्क के अलग से सॉफ्टवेयर है। थर्ड वन है आपके पास जी PDF रीडर है। PDF में आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, जो कि PDF फॉर्मेट में आती है। तो उसके लिए आप PDF रीडर पर क्लिक करें, तो ये फाइल आप 3D में भी इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जी, 3D में लेके जाता हूँ और इसको एक्सट्रूड करें। करने के बाद आप इसको टूडी वायर फ्रेम की तरह मैं जगह में देता हूँ इसको जी, इलास्टिक देता हूँ और SU एंटर करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको इसमें से, सॉरी Ctrl Z SU एंटर ओके। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल 3D में से ले आया हूँ, और अब इसको मैं देखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में। तो ये सबसे नीचे कॉर्नर में आपको नज़र आ रहा होगा, कॉर्नर में, तो इसको सामने फ्रंट में लाने के लिए आपने क्या करना है, फ्रंट में लाने के लिए आप इसको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें। देखिए विंडो पे क्लिक करें, विंडो का ऑप्शन दे दिया इसने, तो विंडो आपकी यहाँ पे आ गई है। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और ये वाला रेंज दे दें आप, क्या अब ये वाला एरिया आपका सामने आ गया। अब यही चीज़ सामने प्रिंट होके निकलेगी। तो उसके लिए आप यहाँ से क्लोज करें और इसको PDF फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर लें फॉर एग्जाम्पल। PDF फॉर्मेट में डेस्कटॉप इसको मैं सेव करता हूँ, और PDF है PDF के नाम से सेव करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओके। और अब इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं देखना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ जी PDF फॉर्मेट हमारे पास आ गया है। डबल क्लिक करें तो ये देखें PDF में हमारे पास ये फाइल ओपन हो गया, देख सकते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं अपनी फाइल को ओपन करने के। नेक्स्ट आपके पास है जी 3D DWF है। तो ये ऑनलाइन, इसके लिए आपने पब्लिश करते हैं इंटरफेस को, तो क्लिक करता हूँ मैं इस पर, तो देखिएगा ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सेव करता हूँ यस ओके। सेव होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है देखें एडिशनल कंटेंट्स अवेलेबल, यहाँ पे कह रहे हैं, तो कह रहा है DWF फाइल कंटेन एक्सटेंडेड कंटेंट्स दैट कैन एट करंटली बी डिस्प्ले इन द एप्लीकेशन। टू व्यू एन एंटायर कंटेंट्स ऑफ द फाइल डाउनलोड द फ्री ऑटोडेस्क डिजाइन रिव्यू फॉर्म। तो आपको यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ऑटोडेस्क रिव्यू में फ्री DWF व्यूर मेयर एंड मार्कअप एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप ये फाइल देख सकते हैं, उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सेंड 3D प्रिंटर सर्विस है, तो प्रिंटर है नहीं मेरे पास, तो इसके लिए भी मेरे पास, इसने यहाँ पे देखें कह रहा है प्रिंटर इन 3D रिक्वायर केयरफुल प्रिपेरेशंस टू इंश्योर सक्सेसफुल आउटपुट, व्हाट डू यू वांट टू डू। क्या आप इसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं या फिर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये प्रिंटर है नहीं 3D। तो 3D प्रिंटर अगर आपके पास है तो आप उसके लिए इस पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी आपका एक्सपोर्ट। आपने मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।